प्रथमा बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के सौजन्य से अरेबिया एवं इससे जुड़े अनुषांगिक संगठनों के तत्वाधान में ग्रामीण बैंक सेवानिवृत्त कर्मियों का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन पंचायत भवन में आयोजित किया गया। उक्त सम्मेलन की अध्यक्षता NSRRBS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह द्वारा की गई। सम्मेलन में राष्ट्रीय महामंत्री गणपति हेगड़े एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष शगुन शुक्ला अन्य पदाधिकारी के साथ मौजूद हैं। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में कार्यरत प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए तरुण शुक्ला ने संगठन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों को समस्त लंबित मुद्दों पर प्रस्तावित आंदोलन की रूपरेखा से अवगत कराया और 10 दिसंबर 2019 को धरने में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। सम्मेलन का संचालन प्रथमा बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के महासचिव इरफान आलम ने किया। संविधान के अंत में समिति के अध्यक्ष अनिल तोमर ने सभी मेहमानों का धन्यवाद किया। नाम आपका? शगुन शुक्ला जी। क्या आज बैठक है, प्रोग्राम आज? ये हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है, इसके जो सेवानिवृत्त साथी हैं, उनकी ये फोरम है, उसी का ये एक अधिवेशन हो रहा है। उसके अपने इंटरनल जो सिस्टम होते हैं, उसी के तहत सभी सदस्य आए हुए हैं हर जनपद से, और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी आए हुए हैं, मैं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। कार्यक्रम में जो कुछ भी अभी तक किया गया है, उसकी समीक्षा होके आगे जो हमारी समस्याएं लंबित हैं, पर्टिकुलर भारत सरकार स्तर पर या प्रथमा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक प्रबंधन स्तर पर, उसके बारे में अंतिम समय में निर्णय लेके अगले कुछ कार्यक्रम डिसाइड किए गए। सर, कहाँ कहाँ से लोग आए इसमें? इसमें प्रथमा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के तो सभी जनपद से, लगभग गोंडा से, बलरामपुर से, बदायूं से, झांसी से, गाजियाबाद से, मेरठ से, मुरादाबाद, रामपुर, लगभग हर जगह से, बिजनौर से प्रतिनिधि। बाकी इस फोरम का जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, कर्नाटक से आए हुए हैं गणपत हेगड़े जी, और हमारे जो सेवारत लोगों का जो संगठन है, उसके महामंत्री कलकत्ता से सईद खान जी आए हुए हैं।